हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्लैटीहेलमिन्थेस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, फाइलम टीनोफोरा हो चुका था, फाइलम पॉरीफेरा हो चुका था। ये सब सारे फाइलम क्या हो चुके थे? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट क्लासेस में हम लोग नीडोब्लास्ट, जिसे नेमेटोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं, उसके फंक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था। प्लस साथ साथ हमने बहुत ही इस जगह का माइनर फाइलम जिसे अपन टीनोफोरा कहते हैं वो भी देखा था। टीनोफोरा में हम लोगों ने तीन एग्जांपल देखा था, जिसका कि सबसे पहला क्लास था दैट इज टेंटैक्यूलेटा, जिसे प्लूराब्रैकिया कहते हैं, सिस्टम और टीनोप्लाना कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास था न्यूडा, न्यूडा में टेंटिकल्स और ओरल लोब्स वगैरह एब्सेंट थे, जिसके एग्जांपल था बीरो, दैट इज द स्विमिंग आई ऑफ कैट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो क्लासेस के बाद अब इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में आती है? बात आती है प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में, कि हमें प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में सब कुछ डिटेल स्टडी करना है और अच्छे तरीके से बात करना है कि प्लैटीहेलमिन्थेस है क्या। डियर स्टूडेंट्स जरा समझेंगे, प्लैटीहेलमिन्थेस एक्चुअल में दो वर्ड से लिया गया है। क्या चीज़ से लिया गया है? दो वर्ड से लिया गया है। वो जो वर्ड है वो वर्ड एक्चुअल में ग्रीक इन ऑरिजिन है। क्या चीज़ है? ग्रीक इन ऑरिजिन है। दैट वर्ड इज कॉमनली नोन एज व्हाट? प्लैटी। प्लैटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। और सेकेंड आता है क्या? हेलमिन्थेस। और हेलमिन्थेस का मतलब क्या होता है? That is warm, यानी ऐसे warm जो flat होंगे। मतलब कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं that is dorso ventrally flattened warm is known as what? Flat warm। अब कहोगे बेटा कि डॉर्सो वेंट्रली मतलब क्या है? डॉर्सो वेंट्रल का, तो बेटा देखो डॉर्सो वेंट्रल का मतलब है, डॉर्सो का मतलब क्या? अगर इसके दोनों सरफेस अपर एज वेल एज लोअर सरफेस पे बात किया जाए तो वो उस जगह से क्या होगा बेटा? उस जगह से वो फ्लैट होगा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फ्लैट वॉर्म्स पड़ गया, ठीक है। सो अब अपन इसके बारे में सबसे फर्स्ट देखेंगे कि इसके डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर आई थिंक मिस कर जाऊँगा मैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक एक साइड में पढ़ा देता हूँ। एग्जांपल सबसे फर्स्ट क्या हो जाएंगे? इसके हैबिटेट हो जाएंगे। जरा देखा जाए कि इसकी हैबिटेट किस टाइप में होती है, तो ये देख लेना, ये पहले तो फ्री लिविंग होता है। क्या होते हैं ये? फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। और लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट के बिहाफ पे याद रख लेना कि ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी एंडो पैरासाइट का मतलब क्या हो गया बेटा? एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, ठीक है। और पैरासाइट का मतलब क्या हो गया? पैरासाइट का मतलब हो गया बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर, उस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं? पैरासाइट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मतलब जो इनसाइड रहते हैं होस्ट पे, उस चीज को पैरासाइट कहते हैं। अब देखो कि जब ये पैरासाइट है तो पैरासाइट जनरली क्या करेगा? कॉजेस सेवरल डिजीज करेगा बेटा, सही है सर? नो, अब जब सेवरल डिजीज करेगा किसमें? इन ह्यूमंस में, तो कहीं ना कहीं ये डेडलीस्ट हो जाएगा, यस। सो अगर इसी सेवरल डिजीज का स्टडी किया जाए तो वेरियस ब्रांचेस होंगे। अरे बात समझ में, क्योंकि डिजीज का आप स्टडी करोगे तो वो तो वेरियस ब्रांचेस के हैं, ठीक है। लेकिन
अगर पर्टिकुलर सिर्फ इसी वॉर्म से जो डिजीज हो रहा है उसकी स्टडी करोगे तो वो सिर्फ एक ग्रुप में होगा, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, हेलमिंथोलॉजी कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? हेलमिंथोलॉजी कहेंगे। देखो अब जरा एनिमल्स को गौर से देखना, ठीक है? हम लोग एनिमल्स को थोड़े गौर से और अच्छे तरीके से थोड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम ले ले। आई होप आपको डायग्राम भी समझ में आता होगा और मेरी बातें भी समझ में आती होगी, मैं होप कर रहा हूं, है ना। नाउ देखो भाई, ये तो रहा क्या भाई, ये बॉडी रहा। बॉडी रहने के बाद ये जनरली क्या चीज है, ये इसके इंटेस्टिनल रीजन है। अब जरा देखो कि एक साइड से आपको ओपन दिख रहा होगा और दूसरे साइड से क्या दिख रहा होगा, क्लोज। सी यस और नो? अब जब दूसरे साइड से क्लोज दिख रहा होगा तो इसके लेटरल सरफेस पे कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट होंगे, तो पहले हम लोग उसे बना लेते हैं। देखो बाबा, एक दो तीन देखो बाबा, अब यहां पे एक ओपनिंग होगा, उस ओपनिंग का नाम एक्सक्रीटरी पोर देंगे। लेकिन बेटा ये सब एक्चुअल में है क्या? ये लेटरल पे बेसिकली बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, इस वेस्ट को रिमूव करने में क्या करता है, मदद करता है, कुछ इस टाइप में। आई बात समझ में? अब कहोगे कि सर वेस्ट को रिमूव करने का मतलब क्या रहा? बेटा वेस्ट को रिमूव करने का मतलब ये रहा कि ये जो भी वेस्ट इसके पास प्रेजेंट होंगे उस चीज को रिमूव करेगा। अब देखो इसके पास कहीं ना कहीं बेटा क्या चीज है, एक मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है? मस्कुलर फैरिंग्स के बाद इसके पास एक और चीज प्रेजेंट होगा जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज एसिटा ब्यूलम देते हैं बेटा, ठीक है? जो इसके माउथ की ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। अब इसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि अब जरा देखो आप, तो अभी हम लोग ये लेकर के चलेंगे। क्या है ये? ये माउथ, ठीक है? माउथ में कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है बेटा, सिंगल ओपनिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिंगल ओपनिंग दिख रहा है। अब सिंगल ओपनिंग है तो दूसरा ओपनिंग तो है नहीं भाई, अरे बात समझ, सिंगल ओपनिंग है, दूसरा ओपनिंग है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी प्लान होगी वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगी, ठीक है? अब माउथ फर्स्ट प्रेजेंट हुआ तो जरूरी नहीं कि माउथ प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? तो प्रोटो स्टोम है। प्रोटो स्टोम ऑर्गेनिज्म का मतलब पहले भी बताया था, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हुआ हो उसे क्या कहते हैं, प्रोटो स्टोम कहते हैं। से यस और नो? ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रोटोस्टोम कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए ये जो फैक्टर है प्रोटोस्टोम का, ये फर्स्ट फैक्टर है, यानी फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, प्रोटोस्टोमिएट्स हुए थे। अरे बात समझ में? प्रोटोस्टोमिएट्स के बाद नेक्स्ट एक चीज देखिए, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, मस्क्यूलर फैरिंग्स देते हैं। मस्क्यूलर फैरिंग्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है बेटा कि कोई भी चीज को ये स्वेच्छा के अनुसार, यानी सेल्फ अपने हिसाब से क्या कर सकता है, उस चीज को अपने हिसाब से स्टमक में पहुंचा सकता है। दैट इज द मस्क्यूलर फैरिंग्स। आ रही बात समझ में? अब मस्क्यूलर फैरिंग्स है तो नेक्स्ट क्या चीज है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
दैट इज कॉमनली नोन एज द एसिटाब्यूलम। आ रही बात समझ में बेटा? इस चीज को अपन क्या कहेंगे? एसिटाब्यूलम कहेंगे। अब ध्यान देना कि एसिटाब्यूलम तो है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? तो इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि अब ये पूरा अगर ब्लाइंड सैक है तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये कैसे है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है बेटा? तो देख लो, इसके पास एक्सक्रीटरी के लिए प्रॉपर ऑर्गन है। क्या चीज? एक्सक्रीटरी के लिए इसके पास क्या चीज है? प्रॉपर ऑर्गन है। नेक्स्ट देखना, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब आपको पता है कि ये जनरली क्या चीज है? ये ऑर्गेनिज्म में सीलोम यानी कैविटी क्या होता है? एब्सेंट होता है। खुद बॉडी कैसा होता है इनका? ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है। यानी बॉडी बेसिकली कितने लेयर के होंगे बेटा? तीन लेयर के होंगे, यानी बॉडी में 3 germ layer प्रेजेंट होंगे, ठीक है? अरे बात समझ में? नेक्स्ट देख लेना कि अब एलिमेंट्री कैनाल इसके बारे में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के रिगार्डिंग अगर अभी चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो देख लो, डिस्कस कर लो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अगर इस जगह पर आप देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है बेटा? क्योंकि देखो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या हो गया? एक थैली के जैसा हो गया प्लास्टिक, जिसे कोतड़ी कहते उसके जैसा हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल मोस्टली कैसे होंगे इसके? तो इनकम्प्लीट होंगे, सही है सर? नो, इनकम्प्लीट के साथ साथ कैसा होगा? तो ये बेटा ब्रांच्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा और ब्रांच्ड होगा। लेकिन याद रख लेना कि इसकी डाइजेशन जो होगी वो कैसा होगा? तो डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होगा बेटा? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। नेक्स्ट देख लो कि अब डाइजेशन पे अपन बात कर लिए तो कहीं ना कहीं हमें और भी अच्छे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना होगा। तो अब बात करते हैं अपन डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन बात करते हैं। तो बेटा याद रख लेना, रेस्पिरेशन ये दो टाइप में करेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो इसके दो फॉर्म है, एक फ्री लिविंग है और दूसरा पैरासिटिक है। तो अगर फ्री लिविंग रेस्पिरेशन के बारे में बात किया जाए, यानी तो वो क्या करेंगे? एयरोबिक करेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर यही रेस्पिरेशन ये क्या करेगा? पैरासिटिक हो जाएगा। तो पैरासिटिक कैसे हो जाएंगे? पैरासिटिक तो कैसा? एनएरोबिक मीडियम में रहता है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसका बाई प्रोडक्ट आपको पता होगा अच्छे तरीके से क्या होता है। नेक्स्ट, अब क्या है बेटा इसके बाद आता है बात लोकोमोशन पे। क्यों? क्योंकि इसे भी तो चलने की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, बोलो हाँ या ना। तो लोकोमोशन क्या करेगा बेटा? तो लोकोमोशन करने के लिए इसके पास एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और बेटा ये जो एडहेसिव ऑर्गन है, ये एडहेसिव ऑर्गन किसे कहते हैं अपन, बोलिए? इस एडहेसिव ऑर्गन का नाम क्या चीज है? सकर्स है। क्या है? सकर्स है, या फिर कह लो हुक है, ठीक है, या फिर कह लो क्या होगा, तो सीलिएटेड स्किन्स होंगे। अरे बात समझ में बेटा? ये तो लोकोमोशन हो गया, कोई दिक्कत? अब जब ये लोकोमोशन हो गया, ठीक है, तो लोकोमोशन के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक और चीज है कि बॉडी में जो फ्लूड प्रेजेंट होंगे, और बॉडी फ्लूड का सर्कुलेशन कैसा होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी ब्लड और ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट देख लो कि अगर इस ऑर्गेनिज्म का मेन चीज अगर ध्यान दोगे तो ये ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक क्या होता है? बाय लेटरली सिमेट्री होता है बेटा। क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्री होता है। ध्यान देना, अब जब बायलेटरली सिमेट्री रहा, ठीक है, क्या रहा? बायलेटरली सिमेट्री रहा, तो इस केस में हमें यह भी पता चलेगा कि बॉडी में बेसिकली एसिलोमेट है, तो एसिलोमेट में जो फ्लूड प्रेजेंट है ये देखो
ये दिख रहा है, ये बेटा ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के बारे में जरा एक कहानी सुने। फ्लूइड है भाई, ठीक है। फ्लूइड में बेसिकली ये क्या है, ए सेलुलर टाइप ऑफ फ्लूइड है, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये मैसेन काइम होगा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, पैरेन काइम हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगे, इस टाइप के सेल्स होंगे। और ये किसके जैसा एक्ट करेगा, तो ये बेटा एक्ट करेगा एज हाइड्रो स्केलेटन। किसके जैसा एक्ट करेगा बेटा, हाइड्रो स्केलेटन के जैसा एक्ट करेगा। बोलिए हाँ या ना। अब नेक्स्ट देख लो। अब जब ये हाइड्रो स्केलेटन के जैसा एक्ट किया, तो बॉडी में सबसे फर्स्ट क्या है कि अब हम लोग जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे बॉडी वॉल का। तो देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कहीं ना कहीं तीन लेयर होगा मान लो, ठीक है, तीन लेयर होगा। तो बॉडी वॉल में भी कितने लेयर प्रेजेंट होंगे, थ्री लेयर प्रेजेंट होंगे। थ्री लेयर में सबसे पहला क्या होगा, क्यूटिकल होगा। क्या होगा बेटा, क्यूटिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जो आएगा क्या, एपिडर्मिस आएगा। और आपको पता होना चाहिए यही एपिडर्मिस जनरली क्या करता है, क्यूटिकल को सिक्रीट करता है। अब इसके नीचे जो प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा, मसल लेयर प्रेजेंट होंगे। मसल लेयर भी बेटा दो टाइप, ये तीन टाइप के होंगे। पहला होगा सर्कुलर मसल लेयर, दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और तीसरा जो होगा बेटा वो क्या होगा, ऑब्लिक्यू मसल लेयर। बेटा ऑब्लिक्यू एक्चुअल में इनवॉलेंट्री मसल्स होगा, जबकि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल कैसा होगा, वॉलेंट्री इन नेचर होगा, जो कि मूवमेंट वगैरह, बॉडी के फ्लो वगैरह, ये सब में भी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेटा देखो ये क्यूटिकल है ना, तो क्यूटिकल के बारे में एक और चीज़ अच्छे तरीके से जान लो। अगर यही क्यूटिकल पैरासिटिक में जाता है तो वो क्या बन जाएगा, टैग्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्यूटिकल एक्चुअल में सिक्रीट कौन करता है, तो सिक्रीट करता है एपिडर्मिस, और फॉर्म क्या करता है, तो बेटा वो फॉर्म करता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल मोस्टली क्या चीज़ है, एक पैरासिटिक अडैप्टिटिव स्ट्रक्चर के तौर से जाने जाते हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग इसके एक्सक्रीटरी कैनाल और एक्सक्रीटरी चैनल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है बेटा, इसे अपन एक्सक्रीटरी कैनल कहेंगे। अरे बात क्या, पता नहीं क्या हो रहा है यार, कैनल कहेंगे। अब ध्यान दो, ये जो बंदा दिख रहा है ये गोल सा, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके हमें क्या करना है, देखने की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब कहोगे कि सर जूम करके देखने की जरूरत पड़ेगी, हाँ बेटा जूम करके देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही वो चीज है जो एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ये कैसा दिखता है तो जरा गौर से देख लो, डायग्राम थोड़ा काफी सुंदर और अच्छा बनाने का मैं कोशिश करूंगा और आप देखोगे, ठीक है। अब ये एक्सक्रीटरी कैनाल रहा, ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल के बाद क्या रहा, देखो ऐसा रहा, ठीक है। अब इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट। अब इस टाइप का एक कॉमन स्ट्रक्चर है। तो बेटा देखो, अब जैसे ही आप इस चीज को ये करोगे तो आपको पता चलेगा, यहां से यहां की ओर बाहर निकलेगा,
ठीक है, और बॉडी के जितने भी सेलुलर फ्लूइड होंगे वो क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। सराउंडिंग में प्रेजेंट होने के बाद बेटा ये क्या होगा कि फ्लूइड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा, फ्लेम सेल्स करेंगे। क्या करेंगे, ये जो सेल्स होंगे ये कौन से सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स है बेटा। अब फ्लेम सेल सेक्रीट करेंगे, सही है सर नो, क्या करेंगे फ्लेम सेल से सेक्रीट करेंगे। नाउ अब जब ये फ्लेम सेल सेक्रीट करें, ठीक है, तो ये फ्लेम सेल्स इस चीज़ को प्योरीफाई करेंगे। तो ये देखो नाम क्यों पड़ा फ्लेम सेल्स, नाम इस वजह से पड़ा फ्लेम सेल्स क्योंकि ये इन्वर्टेड दिए के जैसा होता है। कैसा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड दिए के जैसा दिख रहा है, उस चीज़ को अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, फ्लेम सेल्स कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अब ध्यान देना कि ये फ्लेम सेल्स एक्चुअल में हेल्प करते हैं पहला तो ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, क्योंकि देख रहे ना एक्सक्रीशन तो कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट को तो बैलेंस करेगा ना, सो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है और इसी चीज को क्या कह रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो सेकंड ऑप्शन है, इस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, तो दैट इज बॉडी के वेस्ट फ्लूड को बाहर निकालता है, क्या करता है, बाहर निकालता है, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ एक और चीज देख लो, इस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, इस चीज का नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स देते हैं। एक्सक्रीटरी पोर्स जनरली क्या करता है, सारे वेस्ट को एक बार में बॉडी से बाहर कर देता है। ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म्स का है, जिसमें कि ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस प्लेटीहेलमेंथिस में क्या क्या फर्स्ट मिलता है। तो फर्स्ट मिलता है हमें कि ये एसिलोमेट है, फर्स्ट हमें ये मिलता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट हमें ये मिलता है कि ये प्रोटोस्टोमिएट्स है, फर्स्ट हमें ये मिलता है कि ये ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आ रही बात समझ में बेटा, क्या चीज़ है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें चार चीजें, और कह सकते हो कि फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्री भी हमें इसी फाइलम से मिलना शुरू होता है, यानी पांच ऐसे चीज हैं जो इस फाइलम से स्टार्ट होते हैं बेटा। बेटा एक बात समझो कि अब ये पांच तो हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे अपन कहते हैं सिफेलाइजेशन कहते हैं। अब कहोगे कि सर सिफेलाइजेशन कैसा, सिफेला का मतलब होता है बेटा हेड, क्या होता है हेड, यानी यही वो फाइलम है जिसमें फर्स्ट टाइम क्या अपीयर होता है, हेड अपीयर होता है। अरे ये बात हमारी समझ में कि हेड अपीयर होता है ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान दो कि अब ये फाइलम के रिगार्डिंग, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि सब कुछ देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया। याद रख लेना यहां पर कि फ्लेम सेल्स का जो दूसरे नाम है, फ्लेमेन हो गया, फ्लेम सेल्स के जो दूसरे नाम है बेटा उसका नाम क्या है, सोलिनोसाइट है। क्या है बेटा, सोलिनोसाइट्स है, और इस चीज को अपन कॉमनली क्या कहते हैं, प्रोटो नेफरिडिया कहते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अब जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, क्या चीज है बेटा, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी बेटा दो टाइप के होंगे। दो टाइप का मतलब कि नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होगा ना, सबसे पहला एंटीरियर सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, और दूसरा जो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, सही है सर नो। अब पोस्टीरियर सरफेस पे जो प्रेजेंट रहा, जैसे कि ये क्या हो गया, एंटीरियर सरफेस पे हो गया, इसे अपन क्या कहते हैं, नर्व रिंग कहते हैं, एंटीरियर सरफेस पे क्या हो गया, नर्व रिंग हो गया,
बोलो हाँ या ना। लेटरल सर पोस्टीरियर सरफेस पे क्या हो गया? नर्व कॉर्ड हो गया, सही है सर? नो, ठीक है। अब ध्यान देना बीच में क्या चीज है, ये ट्रांस वर्स कनेक्टिव है, यानी दो नर्व कॉर्ड को क्या करता है, बीच से जोड़ रहा है। तो बेटा इसका नर्वस सिस्टम जो है वो आपको किस टाइप का दिख रहा होगा, तो लैडर लाइक दिख रहा है ना, सही है सर? नो, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा होगा। अब बात इम्पॉर्टेंटली करते हैं, इम्पॉर्टेंटली बात वो रहा क्योंकि अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी जो फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस जो है ये रिप्रोडक्शन जनरली किस टाइप में क्या करता है, किस टाइप में रिप्रोडक्शन शो करता है बेटा। अब जरा देखो कि रिप्रोडक्शन ये किस टाइप में शो किया, तो देख लेना। पहला तो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना होगा, ठीक है, कि अगर इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमें मिलता है कि भाई ये जो बंदा है वो कैसा है, तो ये बंदा बाइसेक्सुअल है। सबसे पहला तो क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब कहीं ना कहीं हर्मा फ्रोडाइटिज्म शो करता है, मतलब एक ही बॉडी में दोनों चीज प्रेजेंट रहा। फर्टिलाइजेशन जो रहा बेटा वो क्या रहा, दैट इज इंटरनल रहा, आ रही बात समझ में, इंटरनल रहा, या फिर क्या कह सकते हो क्रॉस कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हो। देखो बेटा क्रॉस का तो कुछ और एग्जांपल है, लेकिन सेल्फ का जो एक एग्जांपल है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, टेनिया सोलियम कहते हैं, आ रही बात समझ में, टेनिया टेनियम हो गया, टेनिया जिस चीज को अपन कॉमनली क्या कह सकते हैं, टेप वॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसके भी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या आता है कि इसका जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट किस टाइप में होगा, जरा ये भी हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो बेटा याद रख लेना इसका जो डेवलपमेंट होगा वो ऑलवेज इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट हुआ तो आपको पता चल गया ना, ठीक है, लार्वा प्रेजेंट होगा, यानी कहीं ना कहीं इस पर क्या हो जाएगा, मिनी लार्वाज हो जाएंगे, सही है सर? नो, अब मिनी लार्वा हो गए तो बेटा लार्वा भी तो इसके दो टाइप के हो जाएंगे ना, बोलो हाँ या ना, लार्वा भी इसके क्या हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो लार्वा ऑफ फ्लूक कहलाता है, सही है सर? नो, ठीक है, फैसियोला का, और दूसरा लार्वा ऑफ टेपवॉर्म, बोलो हाँ या ना। अब लार्वा ऑफ फ्लूक और लार्वा ऑफ टेपवॉर्म, तो देखो बेटा जो लार्वा ऑफ फ्लूक प्रेजेंट होता है, ये लार्वा ऑफ फ्लूक का जो एग्जांपल है वो क्या एग्जांपल है, मान सिंह रामचंद्र मुंबई वाले, क्या, मान सिंह रामचंद्र मुंबई वाले, ठीक है, ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, पहला एम दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, मीरासीडियम, एस स्टैंड फॉर व्हाट, स्पोरोसिस्ट, आर स्टैंड फॉर व्हाट, रेडिया, सी स्टैंड फॉर व्हाट, सर्केरिया, ठीक है, एम स्टैंड फॉर व्हाट, मेटा सर केरिया, ठीक है। अब लार्वा ऑफ टेपवॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओ एच बी सी, दैट इज ऑनकोस्फेयर, नेक्स्ट हेक्साकेंथ, बी से क्या होगा, ब्लैडर वॉर्म होगा, ठीक है, और सी से क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, सिस्टी सर कस हो जाएगा, सिस्टी सर्कस, आ रही बात समझ में, सिस्टी सक, सिस्टी कस हो गया है, सिस्टी सर्कस होता है बेटा, आ रही बात समझ में।
इसका ट्रिक्स का नाम याद रख लेना, इसका ट्रिक्स का नाम क्या चीज़ है, मानसिंह रामचंद्र मुंबई वाले। क्या नाम है बेटा इनका, मानसिंह रामचंद्र मुंबई वाले। ओके, और बेटा इस चीज़ का नाम क्या चीज़ है, दैट इज़ ओ एच बी सी, ठीक है, दैट इज़ ऑन्कोस्फेयर हेक्साकेंथ ब्लैडर वॉर्म और सिस्टी सर्कस। आ रही बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रह गया किसका, तो अपना प्लेडियलमेंथिस का। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं, वॉर्म्स, ठीक है। वॉर्म्स बेटा दो टाइप के होते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं बेटा कि डिटेल में जाना ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम आपको थ्रू आउट द क्लास 11 एज वेल एज 12 लगने ही वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो कि जब वॉर्म्स होंगे तो वो वॉर्म्स भी बेटा अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है मोनोजेनेटिक, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, डाइजेनेटिक। अब कहोगे कि सर मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक का अर्थ क्या है, तो समझिएगा बेटा जो मोनोजेनेटिक होता है, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, ठीक है, यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा किसमें, इन सिंगल होस्ट में। आ रही बात समझ में, किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंगल होस्ट में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट जो डाइजेनेटिक, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा किसमें, कंप्लीट इन टू होस्ट। अब कहोगे भाई एग्जांपल क्या है, तो देखो बेटा जो लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में अपना ये कंप्लीट करता है, उसके एग्जांपल सबसे फर्स्ट है दैट इज अस कैरियस है, ठीक है, नेक्स्ट है एंटामीबा, सही है सर नो, ठीक है, पूरा नाम क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका या हिस्टोलिटिका। देखो अब डाइजेनेटिक है बेटा, तो डाइजेनेटिक में दो होस्ट रिक्वायर करेंगे, सही है सर नो, दो होस्ट में सबसे पहला होस्ट को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट कहेंगे, है ना, मुख्यतः, और दूसरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट तो हो गया बेटा, तो प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो देखो अगर आइडेंटिफाई समझना है, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे बात करना, तो जिस होस्ट में एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उस चीज को अपन प्राइमरी होस्ट कंसिडर करेंगे, लेकिन सेकेंडरी होस्ट जो होगा उसे कहेंगे बेटा जिसमें वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सही है सर नो, बोलो हाँ या ना। अब कहोगे कि सर प्लाज्मोडियम क्या एग्जांपल है, तो बेटा यहां पे भी, क्योंकि देखो साइंस जो एक्चुअल में डील करता है वो एक्सेप्शंस पे भी ज्यादा डील करता है, तो यहां का जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शंस अपना क्या चीज है, यहां पे जो एक्सेप्शंस है बेटा वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम का आप अगर प्राइमरी होस्ट देखोगे, तो बेटा प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है कौन, तो वो होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। और ये प्राइमरी होस्ट में क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट, अब इसका जब सेकेंडरी होस्ट देखोगे, तो सेकेंडरी होस्ट कौन है बेटा, जिसमें ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अरे बात समझ में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो खुद प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज में करेगा। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब ये आखिर ऐसा करता क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन की जो डिफेंस लाइन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है बेटा, ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, तो याद रख लेना ये इस वजह से ऐसा करता है ताकि अपने गैमेट्स को सर्वाइव करवा सके। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू गैमेट्स सर्वाइवल, क्या है बेटा, गैमेट्स के सर्वाइवल के वजह से ये क्या करता है, ये अल्टरनेशन करता है बेटा। नाउ आगे समझना,
अब ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, इसके एग्जाम्पल जो होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक फाइलम प्लैटीहेलमेंथिस है, इसके तीन क्लासेस हैं, ठीक है, इसके कितने क्लासेस है बेटा, तीन क्लासेस है, लेकिन क्लासेस को तो नीट के सिलेबस में डिस्कस नहीं करते, सो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या चीज़ है, दैट इज द प्लैनेरिया, ठीक है, प्लैनेरिया आप जानते हो ये एक्चुअल में ड्यूगेशिया कहलाता है, है ना, और ड्यूगेशिया कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो ये क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज टर्बिलेरिया, और याद रख लेना ड्यूगेशिया के पास हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी क्या होता है, प्रेजेंट होता है बेटा नीचे। अब ड्यूगेशिया को जिसे प्लैनेरिया कहते हो, जितना भी कर दोगे बेचारा वो उतना डिवाइड होकर के न्यू बन जाएगा। अब देख लो सेकंड, ठीक है, पहला प्लैनेरिया हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड आ जाएगा दैट इज द टेनिया, सही यस और नो, क्या आ जाएगा, सेकंड एग्जांपल दैट इज द टेनिया। अब कहोगे सर टेनिया किसे कहते हैं, तो बेटा टेनिया जो है वो टेप वॉर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं, टेप वॉर्म को कहते हैं, और इसका टेप वॉर्म के क्लासेस का जो नाम है बेटा, ठीक है, वो क्लासेस का नाम क्या चीज है, इसका क्लास का नाम है सेस्टोडा, क्या नाम है, सेस्टोडा, याद रख लेना, ठीक है, टेप वॉर्म पैरासाइट होता है, इसमें माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, टेप वॉर्म के वेरियस एग्जांपल हैं, जैसे टेनिया सोलियम है, देख लो भाई टेनिया सोलियम है, टेनिया सोलियम को अपन किस नाम से जानते हैं, तो पॉक टेप वॉर्म कहते हैं, अरे बात समझ में। नेक्स्ट है क्या, टेनिया सैगिनेटा, सही है सर नो, इसे अपन क्या कहते हैं, बीफ टेप वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज द टेनिया, नहीं टेनिया छोड़ दो, एकिनोकोकस, अब एकिनोकोकस देखोगे तो इसे अपन क्या कहते हैं, डॉग टेप वॉर्म कंसिडर करते हैं, अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ जो तीसरा एग्जांपल है, जो भी कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज फेशियोला, या फिर जिसे अपन क्या कह सकते हो, लीवर फ्लूक कहते हो, है ना, फैसी ओला, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, फ्लूक्स कहलाते हैं। अब फ्लूक्स का जो क्लासेस है बेटा, ठीक है, ये क्लासेस एक का तो टर्बुलेरिया है, एक का सिस्टोडा है, और एक का कौन क्लास बच गया, तो ट्रेमेटोडा, क्या बेटा, ट्रेमेटोडा है, याद रख लेना, ये ब्लड फ्लूक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सकर सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, याद रख लेना। फेसियोला हिपेटिका में एक प्रॉपर्टी है जिसे रीजेनरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रीजेनरेशन, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, आई बात समझ में। अब जब रीजेनरेशन एब्सेंट रहा तो देख लो भाई एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्या, ब्लड फ्लूक, क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, ब्लड फ्लूक, जिस चीज का एग्जांपल क्या है, सिस्टोसोमा है, क्या है बेटा, सिस्टोसोमा है। नेक्स्ट क्या है, लीवर फ्लूक है, ठीक है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, फेसिकोला हिपाटिका कहते हैं, अरे बात समझ में बोलिए, यस। नेक्स्ट देखिए, अब जब ये सारे हो गए तो इसके बाद आपको क्या देखना है,
इसके बारे में आपको फिर क्या देखना है। इसके बाद आपको जो चीज़ देखना है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ का नाम अपन कहते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं अपन? लाइफ साइकिल। सो टॉपिक का नाम अपन स्टार्ट करते हैं इसी में, लाइफ साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। मान लो सबसे पहला लाइफ साइकिल अपन क्या कहते हैं, तो होता है वो किसका, दैट इज फेसिकोला हेपेटिका का देखते हैं। आप जानते हो ये कैसा है, तो ये डाइजेनेटिक होगा, ठीक है। अब डाइजेनेटिक में बेटा दो होस्ट रिक्वायर होगा, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, बकरियां हो जाएगी, गोट हो जाएगा। सेकेंडरी होस्ट जो होगा बेटा इसका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गार्डन स्नेल। आ रही बात समझ में? गार्डन स्नेल पे एग्जांपल देख लो तो प्लेनॉर्बिस, नेक्स्ट प्लेनॉर्बिस के बाद हो गया लैमनिस, लैमनिस के बाद क्या हो गया बेटा, ग्लियोलिनस, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब फेसियोला हिपैटिका समझना, नाम तो है फेसियोला हिपैटिका, कहाँ पर रहेगा, तो लीव करेगा किस में, लिव इन बाइल डक्ट, ठीक है। और जो डिजीज करवाएगा वो डिजीज का नाम क्या होगा, लीवर रॉट होगा। अब जरा देखो, तो लाइफ साइकिल देखोगे तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि कि सर ये क्या बना रहे हैं। बेटा ये जो बना रहा हूँ ना, इसी में आपको मानना है कि ये गोट है या सिप है। अब कहोगे सर लग तो नहीं रहा है, तो बेटा लग इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि मैं इसे लगा नहीं रहा हूँ कि ये गोट के जैसा है कि सिप के जैसा है। आ रही बात समझ में, है ना, मैं इसे खुद नहीं लगा रहा हूँ कि ये गोट के जैसा है कि सिप के जैसा है। आँख थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है, पूछ थोड़ी सी बड़ी करवा दे रहा हूँ, पेट थोड़ा सा बेचारा है, खाया पिया है, इस वजह से पेट भारी है, है ना, माइंड ना करे डायग्राम पे। अब ध्यान देना कि अब ये क्या है बेटा, ये क्या चीज आपको दिख गया, तो ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है जिसे अपन कह लो गोट या सिप। ये क्या है बेटा, गोट है या सिप है, लग तो नहीं रहा है लेकिन मानना है आप, है ना। अब जरा देखो कि इसके बॉडी के अंदर क्या था, इसके बॉडी के अंदर लीवर प्रेजेंट था, से यस और नो, लीवर प्रेजेंट होने के जगह पे जरा गौर से देखना कि यहां पर ये क्या था, खाया हुआ प्रेजेंट था, यानी फर्टिलाइज्ड एग था इसका, ठीक है। अब फर्टिलाइज्ड एग ये क्या हो जाएगा, मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पहला डियोडेनम आएगा, डियोडेनम के बाद जेजेनम आएगा, जेजेनम के बाद इलियम आएगा, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बाहर आ जाएगा। तो बेटा जब ये आउटसाइड आएगा तो अब यहाँ से गेम स्टार्ट होगा, आउटसाइड में ये कुछ निकालेगा बेटा। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में जो निकला बॉडी से बाहर, इसे मीरा सीडियम कहेंगे।
क्या कहेंगे बेटा? मीरा सीडियम कहेंगे। अब ये मीरा सीडियम बेसिकली कौन होगा? ईट बाय कौन? स्नेल। स्नेल खा लिया, ठीक है। अब स्नेल के अंदर क्या करेगा? तो ये स्नेल के अंदर ए सेक्सुअल रेप्रो करेगा, सही है? यस और नो? ए सेक्सुअल रेप्रो करने के बाद बेटा देख लो कि ये किस में कन्वर्ट होगा, तो इस जगह पे लार्वा के नाम कन्वर्ट होंगे, स्पोरोसिस्ट होगा, ठीक है। स्पोरोसिस्ट के बाद क्या आ जाएगा? दैट इज रेडिया आ जाएगा। रेडिया के बाद क्या आ जाएगा? सर कीरिया आ जाएगा। अरे बात समझ में, सर कीरिया के बाद बॉडी से आउटसाइड निकलेगा, बॉडी से आउटसाइड निकलने के बाद क्या आ जाएगा? दैट इज मेटा सरकीरिया हो जाएगा, सही है सर? नो? ये तो जनरल प्रोसेस रहा ना, रेडिया के बाद कन्वर्ट हुआ सरकी, ये स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया, रेडिया के बाद सरकीरिया, सरकीरिया के बाद आउटसाइड जो बॉडी से जाएगा उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे? मेटा सरकीरिया कहेंगे, ठीक है। अब ये मेटा सरकीरिया एक्चुअल में देख लो कि यही मेटा सरकीरिया क्या करेगा? अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये ग्रासेस वगैरह पे ज़्यादा पाया जाता है। अरे बात समझ में, ऐसा है भाई, ठीक है। अरे बात समझ में, ये क्या चीज़ है? ग्रासेस। अब मेरा मेटा सरकीरिया इसी के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर क्या करेगा? ये अपना मेटा सरकीरिया है ना, मेटा सरकीरिया अटैच हो जाएगा बाय ग्लू ओवर ग्रासेस पे, ठीक है। अब ये जनरली क्या हो जाएगा बेटा? ये अब एन गल्फ करेगा, यानी खा लेगा, कौन? गोट या सिप खाएगा, तब जाकर के, यानी मेटा सरकीरिया खाया और क्या निकला? मीरा सीडियम निकला, ठीक है। और मीरा सीडियम क्या चीज था? फर्टिलाइज्ड था। ये देखो क्या खाया, ये मेटा सरकीरिया खाया, ठीक है। अटैच हुआ ग्लू के साथ, क्या बना? गोट और सिप के बॉडी में जाकर के फर्टिलाइज किया, देखो फर्टिलाइज्ड एग हुआ मेटा सरकीरिया, और मेटा सरकीरिया बेसिकली क्या रहा? फिर घूम करके मीरा सीडियम में कन्वर्ट हुआ। याद रख लेना कि जो स्नेल के कंसेक्यूटिव इवेंट है वो स्नेल में स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सरकीरिया रहता है, जबकि मेटा सरकीरिया बॉडी से बाहर और मीरा सीडियम भी बॉडी से बाहर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका, दैट इज फेशियोला हेपाटिका का। बेटा वीडियो की लेंथ काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, कल हम लोग दो और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सिस्टोसोमा, और दूसरा एग्जाम्पल जो होगा बेटा वो टेनिया सोलियम का होगा। अरे बात समझ में, फिर हम लोग अस्कलमेंथिस के टुवार्ड बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। सो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें फिर से अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो सिस्टोसोमा और लीवर टेनिया सोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।